वालेकुम, वेलकम टू फूड एंड टिप्स। आज बना रहे हैं विंटर स्पेशलिटी काले चने और पालक का सालन। तो आप लोग मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। पालक और चना विंटर स्पेशलिटी इस वजह से है कि क्योंकि सर्दियों में पालक का मौसम होता है, तो वैसे तो हर मौसम में मिल जाती है, लेकिन ख़ास तौर पे जो सर्दियों में इसका जायका होता है वो कुछ अलग ही होता है। तो सर्दियों में ये ख़ास तौर पे बनता है चने का और पालक का सालन, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चले जी बनाना स्टार्ट करते हैं काले चने और पालक का मज़ेदार सा सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, आपको बहुत शोर सुन रहा होगा। इस तरफ मैंने काले वाले चने जो हैं वो प्रेशर कुकर में बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। आधा किलो मैंने चने लिए हैं और उसमें मैंने पानी डाला है और फिर उनको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और मैंने कुछ नहीं डाला चनों में अभी। और दूसरी तरफ अब हम इसका तड़का प्रिपेयर करेंगे और पालक डाल के उसको भून लेंगे और फिर इसमें उबले हुए चने जो हैं वो हम शामिल करेंगे। चले जी शुरू करते हैं। जी तो मैंने कढ़ाई में 1/4 कप ऑयल गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं मीडियम साइज़ के 2 प्याज डालूंगी। प्याज को मैं हल्का सा फ्राई कर लूंगी, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा। प्याज लाइट पिंकिश हो गए हैं। अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जिंजर गार्लिक भी फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं टमाटर डाल रही हूँ 4 अदद। चॉप कर लें अच्छे से। अब इसको मैं ज़रा सा ढक्कन लगा दूंगी ताकि टमाटर जो हैं वो हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। फिर इसके बाद मैं इसमें मसाले शामिल करूंगी। टमाटर हमारे सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी 8 अदद ग्रीन चिलीज। मज़ीद थोड़ा सा इसको पका लूंगी। अब मसाले शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून, हल्दी डाल रही हूँ 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून और धनिया पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर भी जाएगा इसमें 1 टीस्पून। अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा इसको भूनूंगी। तड़का हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं पालक शामिल कर दूंगी। पालक ली है मैंने 1 kg, चने लिए हैं 1/2 kg और पालक लेंगे हम 1 kg। चले जी अब मैंने इसको धो के अच्छे से और फिर मैंने इसको काट लिया था। अब इसमें मैं पालक शामिल कर रही हूँ। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठेगी। अब इसको मैं थोड़ी देर ढक्कन लगा दूंगी तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होके नीचे चली जाएगी। ये देखें व्यूअर्स, पालक जो है वो बिल्कुल नीचे चली गई है। अब इसका मैं ढक्कन उतार दूंगी और इसको खुला छोड़ के मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी जब तक पालक का सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। ये देखें व्यूअर्स, पालक का पानी ड्राई होना शुरू हो गया है, काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। मज़ीद जो थोड़ा बचा है वो भी मैं अच्छे से ड्राई कर लूँगी, फिर इसके बाद इसमें चने शामिल करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, पालक हमारी तकरीबन भुन गई है, हल्का हल्का बिल्कुल पानी रह गया है। अब इस स्टेज पे आके हमें इसमें चने शामिल करने हैं।
इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हम इनको अच्छे से भून लेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत लिक्विड रह गया है अंदर वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। देखें जी व्यूवर्स, पालक हमारी ऑलमोस्ट डन है। ये देखें घी, इसका ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है और ये अच्छे से भुन भी रही है। अब इस स्टेज पे आके अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 4 अदद में साबुत हरी मिर्चें डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छा अरोमा आता है सालन में। और 1 टेबलस्पून में डाल दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँगी धनिया इसमें और इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी और उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, मज़ेदार से हमारे चने और पालक का सालन बिल्कुल तैयार है। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का बनता है और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।